क्या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद को गुपकार से दूर कर रही हैं? सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। जून 24, 2021, गुपकार अलायंस की, या यूं कहिए चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की, चार पूर्व उप मुख्यमंत्रियों की और प्रदेश अध्यक्षों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ होती है। उस मीटिंग में एनएसए अजीत डोवाल भी हैं और अन्य कुछ और ऑफिसर्स भी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे आवास पर इतनी बड़ी मीटिंग कोविड के बाद, कि ये पहली इतनी बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग से पहले जब गुपकार अलायंस को दिल्ली जाना था, न्योता सभी लोगों को दिया गया। न्योता पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को था, न्योता मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी न्योता था, उसके साथ में सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सिफ तारगामी को भी बुलाया गया था, सज्जाद गनी लोन को भी बुलाया गया था, मुजफ्फर हुसैन बेग को भी बुलाया गया था। ये सभी लोग इस मीटिंग में गए और इस मीटिंग से वापस आने के बाद सब जब बाहर आए, जब गए थे, जाने से पहले भी आपको अच्छे से याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था। उन्होंने उस समय ये कहा था कि गुपकार अलायंस दो व्यक्तियों को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजेगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन बाद में जब फैसला किया गया कौन जाएगा, तो तमाम गुपकार अलायंस एक साथ इकट्ठे थे और उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि कौन जा रहा मीटिंग में, तो जवाब में उन्होंने ये कहा, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये कहा था कि आप जाइए और अपने साथ एक और गुपकार के पार्टनर को लेकर जाइए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा हम सबको इन्विटेशन अलग अलग आया है, हम सबको जाना चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका साफ तौर पर कश्मीर की राजनीति में मतलब ये है, हम तो जाना नहीं चाहते थे लेकिन हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा और कन्विंस किया तो हम चल पड़े प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री की मीटिंग में शामिल होने के लिए। ये बात कही गई थी उस समय, हमने जब ये बात कही उसके बाद मीटिंग हुई। अब ठीक है, आपको आमंत्रण जो अलग अलग मिला था, लेकिन जब आप अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने से पहले आप स्ट्रैटेजिकली ये तय कर सकते थे कि जी न्योता तो हम सबको है, लेकिन अंदर जाकर हम ये तय करेंगे कि आप और आप बोलेंगे, बाकी और कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मेहमान अंदर गए, मेज़बान ने ये कहा कि आप सब नहीं बोलेंगे, हर पार्टी से एक व्यक्ति बोलेगा। हालांकि इस बात को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा, समय काफ़ी हो गया था, समय ज़्यादा होने की वजह से बाकी लोगों को मौका नहीं मिला, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए समझ में नहीं आती कि जहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, डॉक्टर फारूक बोलें और उमर अब्दुल्ला ना बोलें, ये बात ज़रा समझ से बाहर है। मुजफ्फर हुसैन बेग बोलें और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन भी बोलें, और बोलने से पहले मुजफ्फर हुसैन बेग को ये कहना पड़े कि मैं किसी दल के साथ नहीं हूँ, मेरी किसी राजनीतिक दल के साथ किसी किस्म की कोई भी, मेरा रिश्ता किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। और अब सुनने में आ रहा है कि शायद मुजफ्फर हुसैन बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अब नहीं है। जो बैठक हुई थी वो बैठक सिर्फ बैठक थी, उसमें मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं किया था। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद बारामुल्ला में सफीना बेग, जो मुजफ्फर हुसैन बेग की धर्मपत्नी हैं, शायद वहाँ के डीडीसी में कोई बड़ा फेरबदल हो जाए, होगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अब आज ये है कि वापस आने के बाद और जिस समय गुपकार अलायंस के सभी अलायंस बाहर निकले, तो क्या किया इन सभी अलायंस ने, बाहर निकलने के बाद इन सभी लोगों ने अलग अलग स्वर में बात की, यानी अलग अलग तरीके से अंदर क्या हुआ सबने बयान किया। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात कही, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अंदर बोले, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो क्या बोले। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात की, सीपीआईएम के तारगामी साहब ने कहा मीटिंग तो हुई लेकिन मीटिंग से कुछ खास निकला नहीं। वो प्रवक्ता हैं गुपकार अलायंस के, प्रवक्ता जब ऐसी बात करे तो ये गंभीर है, ये मामला कोई आसान सा नहीं है। और उसके बाद चलिए, आप दिल्ली में हैं, वहाँ पर आपके लिए संभव नहीं हो सका कि आप एकजुट होकर एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सभी मिलकर ये कहें कि आपने प्रधानमंत्री के समक्ष क्या रखा। लेकिन समझ में ये आया कि जब प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, सब ने अपनी अपनी बात रखी, सब ने अपना अपना एजेंडा रखा, सब ने अपने अपने तरीके से जिस
जो भी वो कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर सोचते और समझते हैं वो सब कुछ कहा। और उससे पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस समय मीटिंग में जा रहे थे पत्रकारों ने पकड़ लिया, कहा डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती तो कह रही है पाकिस्तान से बातचीत करो, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, वो उनका अपना विचार है, उनकी पार्टी का अपना एक विचार है, लेकिन मैं अपने लोगों की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जा रहा हूँ। ये बात किसने कही? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। राजनीति में ये सब बातें बहुत मानी खेज होती हैं और कश्मीर की राजनीति में तो और ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर की राजनीति का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि आपको किसी को विलन बनाना है, जब वो विलन बन जाएगा उसी विलन के खिलाफ आप उसके बाद लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब गुपकार अलायंस वहाँ पर तो एक स्वर में नहीं बोला, इकट्ठे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सभी नेशनल चैनलों के ऊपर चढ़ गए, सभी ने नेशनल चैनलों के साथ बात करके सब कुछ कह दिया जो कुछ उनके मन में था। लेकिन उसके बाद जब कश्मीर घाटी गए तो गुपकार की एक मीटिंग बुलाई गई, कहा गया जी 29 तारीख को गुपकार जो है वो मुलाकात करेगा और सभी लोग वहाँ पर जो है उस मीटिंग में शामिल होंगे। और गुपकार अलायंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा अलायंस? 35A और 370 को रिस्टोर करने वाला अलायंस, गंभीर और चिंताजनक मसलों के ऊपर बातचीत करने वाला अलायंस, अपने आप को कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बताने वाला अलायंस। उस अलायंस की मीटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि जानकार सूत्रों ने कुछ पत्रकारों को बताया कि हुआ यूं है कि महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री के घर में कुछ मेहमान आए हैं, मेहमान इतने ख़ास हैं कि उनके चलते उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो गुपकार अलायंस की मीटिंग में शामिल हो सकें। क्या आप इस बात को मानेंगे? जब आप जम्मू कश्मीर से गंभीर विषय के ऊपर बात करें, जिस विषय को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपको आमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आपसे आपको सादर आमंत्रण देते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब कुछ इसका मतलब ये मामला कोई आम खाम नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है। इसी गंभीर मामले को लेकर गुपकार अलायंस बना था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, राजनीतिक तौर पर जब आपके एजेंडे अलग अलग हों, आपके फॉर्मूले अलग अलग हों, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी एक हो, आप लंबे समय तक एक साथ चल सकें, इसकी संभावना बहुत कम है। हुआ क्या? साफ तौर पर यहाँ पर यह निकल कर आता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित भी कहने लगे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके ऊपर पर्दा रखा जा रहा है, कुछ तो है। और ये कुछ तो है, इस कुछ तो है का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती गुपकार की मीटिंग में नहीं गई। अब मोहम्मद शिव तारगामी साहब का बयान आता है, वो प्रवक्ता है, कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, उनका कोई घर में अपना मसला था इसलिए हमने गुपकार की मीटिंग नहीं बुलाई। क्या महबूबा मुफ्ती के अलावा गुपकार की मीटिंग नहीं हो सकती? गुपकार कश्मीर घाटी के लोगों का नुमाइंदा है ना, तो नुमाइंदे को महबूबा मुफ्ती की ज़रूरत क्या है, जिन्होंने DDC के चुनाव में बिल्कुल छोटा सा मैंडेट है उनका। मोहम्मद शिव तारगामी भी ये समझते हैं गुपकार असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP है, बाकी दल अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, CPIM हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट हो, ये सभी दल वहाँ पर हैं तो ज़रूर, लेकिन ये लिमिटेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ बिल्कुल छोटी सी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो फिर आप महबूबा मुफ्ती के बगैर गुपकार की मीटिंग करें और फिर मीडिया में चीमा गोइयाँ ना हो, मीडिया में कोई गपशप ना लगे, ऐसी बात तो है ही नहीं। चारों तरफ ये बातें चल रही हैं कि गुपकार अलायंस दिल्ली जब पहुँचा प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद, जो दरारें प्रधानमंत्री के न्योते के बाद अलायंस में आ गई थी, वो और ज़्यादा दरारें जो हैं और ज़्यादा खुली हो गई हैं। क्यों हुई हैं ये दरारें, इतनी बड़ी क्यों हो गई हैं? दरार इतने इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्षा, उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाएं और गुपकार का कोई और साथी जाए, लेकिन सभी लोग नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सबको जाना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री का सादर आमंत्रण है। तो इसका मतलब ये है उसी दिन बात जो है वो बिगड़ गई थी ऐसा लगता है। हो सकता है ये सब कुछ ना हो, स्पेकुलेशन हो, अखबार वाले स्पेकुलेशन करते हैं, अखबारों में स्पेकुलेशन आती है, हमने स्ट्रेट लाइन पे कर दी तो क्या बुरा किया, तो ये स्पेकुलेशन ही हो और कल महबूबा मुफ्ती गुपकार की मीटिंग में आ जाएं और बातचीत हो। लेकिन ये बात तो तय है कि अंदर खाने में
पीडीपी भी ये समझ गई है, बाकी अन्य दल भी समझ गए हैं कि टेबल सजा ज़रूर था लेकिन इस टेबल के ऊपर बातचीत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता, अपनी पार्टी के नेता और अन्य नेताओं से नहीं बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से बातचीत थी। जम्मू के मैंडेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक विजन है, अपनी एक सोच है और ये मानते हैं हम ही तो सत्ता में हैं। तो इस मीटिंग से निकल कर क्या आया, मीटिंग से निकल कर ये आया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बोली, उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला की बोली, उनके बयान, उनकी सभी चीज़ों को आप दोबारा से पढ़ें, दोबारा से सुने तो आपको समझ में आएगा कि बहुत नपातुला बयान, बड़ी सूझबूझ के साथ हर पत्रकार के सवाल का जवाब, और ये ध्यान में रखते हुए कि नई दिल्ली में सरकार किनकी है, वो क्या एटीट्यूड जम्मू कश्मीर को लेकर रखते हैं, उनका विचार जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया गया, बयान दिए उन्होंने। कोई भी बयान आपको ऐसा नहीं लगा होगा जिससे आपको लगा होगा बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी, कॉन्ट्रोवर्सी बनी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान के ऊपर जब उन्होंने कहा पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए। एक दिन हंगामा रहा, पूरा पूरी रात जो है टेलीविजन चैनल के ऊपर हंगामा रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान बड़े नपेतुले आए। क्या यही कारण बना जिसकी वजह से गुपकार अलायंस में महबूबा मुफ्ती मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, नहीं जाती हैं? और अगर 370-35 से और गुपकार के एजेंडे से बढ़कर रिश्तेदार हैं और घर का कोई कामकाज है तो फिर वो कामकाज बहुत ज़्यादा अमरजेंट नेचर का होगा, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ना, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, पीडीपी के अध्यक्षा के लिए, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। और कुछ हलकों में तो ये भी सुनने को आ रहा है पीडीपी के कई नेता जो पीडीपी छोड़ कर गए थे, किसी कुछ और पार्टियों में वो शामिल हुए थे, सुनने में ये आ रहा है कि वो भी संपर्क साध रहे हैं और पीडीपी में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक सच है वो हमें नहीं मालूम, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, मगर संपर्क साध रहे हैं, किन लोगों के जरिए साध रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो पीडीपी और ये उनके पूर्व पार्टी के लीडर जाने। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, कुछ और भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आने वाले वक्तों में बदलने जा रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, मुजफ्फर हुसैन बेग को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो हमारे साथ तो हैं ही नहीं। तो क्या बारामुल्ला की DDC की चेयरपर्सन सफीना बेग ही रहेंगी या वहाँ पर भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? और मुजफ्फर हुसैन बेग अब इस उम्र में और इस एक्सपीरियंस के बाद अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में नहीं है तो किस दल में जाएंगे?